दोस्तों हाल ही में रिलीज हुई पुष्पा फिल्म में आपने लाल चंदन की तस्करी के बारे में तो जरूर देखा होगा। तो आखिर क्या है लाल चंदन की लकड़ी और क्यों है इतना खास, आइए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल लाल चंदन की लकड़ी को रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है और ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ पहाड़ियों में ही पाया जाता है और पूरे एशिया में सबसे ज्यादा लाल चंदन की लकड़ी का खपत चाइना और जापान में होता है और इसी लकड़ी से बहुत खास तरह का वाद्य यंत्र और औषधियां को बनाया जाता है। अब लाल चंदन की लकड़ी का लोकप्रियता कितना है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टन लाल चंदन की लकड़ी इंटरनेशनल मार्केट में आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए में बिकती है। लेकिन लाल चंदन के पेड़ों की वृद्धि कम और कटाई ज्यादा होने के कारण ये पेड़ बहुत कम संख्या में बच गए हैं और इसीलिए इस लकड़ी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार रोक लगा दी है। लेकिन लाल चंदन की लकड़ी का तस्करी खूब होता है। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।